सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 31 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, काफी कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। शुरुआत करेंगे अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था, चर्चा में रहा फैनी ब्रिज भारत को निम्न में से किस देश से जोड़ेगा। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। फैनी ब्रिज है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। कमेंट करके आप मुझे ये बताइए, बांग्लादेश की भारत के साथ में सीमा कितनी लगती है। भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा रेखा की लंबाई है वो कितनी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। इतना मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा सीमा है वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब हम डिस्कस करेंगे 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए Unacademy लर्निंग ऐप। वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, जिसका नाम है ड्यूअल एजुकेटर फ्री लाइव क्लासेस। ये ड्यूअल एजुकेटर फ्री लाइव क्लासेस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में आपको बता रहा हूँ, 1 नवंबर से ये शुरू हो रही हैं, 1 नवंबर से शुरू हो रही हैं। इनकी गुणवत्ता देखिए आप, और इनकी जो विशेषताएँ हैं वो देखिए कितनी महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स 2021 के लिए पूरी रणनीति आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। फ्री क्लासेस, सबसे महत्वपूर्ण बात, फ्री क्लासेस है सारी की सारी। आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए और फ्री क्लासेस का आनंद उठाइए। अपनी भाषा के अनुसार क्लास ले सकते हैं, यानी आपका जो मीडियम है उस मीडियम में आप क्लास लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में ही लें या फिर हिंदी मीडियम में लें, यह आपके लिए बाध्यता नहीं है, आप अपनी मर्जी से खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, CSET के बारे में काफ़ी लोग चिंतित रहते हैं, तो CSET की रणनीति और डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, जहाँ पर भी जिन क्लासेज में आपको पढ़ाया जाता है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वहाँ पर एक सिंगल एजुकेटर या सिंगल टीचर रहता है। यहाँ पर ड्यूअल एजुकेटर की सुविधा आपको मिल रही है। इसके साथ ही फ्री PDF भी मिलेंगी, जो भी क्लासेज होंगी उनकी फ्री PDF आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। अभी अपनी तैयारी शुरू कीजिए इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ। डाउनलोड कीजिए Unacademy लर्निंग ऐप। अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। शुरुआत करते हैं देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस की। हाल ही में 2020 में 145वां राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है इसी दिन, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क जैसे नामों से प्रसिद्ध हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अन्य नाम हैं। देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी ये रहे हैं। लौह पुरुष की उपाधि इनको दी थी, किसने दी थी ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। अब मैं आपको बताता हूँ, लौह पुरुष की उपाधि है वो दी थी महात्मा गांधी ने। सरदार की उपाधि इनको बारदोली सत्याग्रह के दौरान मिली थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला अपना टॉपिक है तुलसीदास चुग अवार्ड 2020। डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 है, ये दिया गया है CSIR CDRI लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा को। इनको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए इन्होंने शोध किया था, और उस शोध के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। जैव चिकित्सा वैज्ञानिकों को दिया जाता है ये पुरस्कार। डॉक्टर सतीश मिश्रा को रामलिंगा स्वामी अवार्ड और शकुंतला अमीरचंद पुरस्कार भी मिल चुके हैं, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट है चूरू जिला। क्यों चर्चा में है राजस्थान का चूरू जिला? देखिए राजस्थान का चूरू जिला है भारत का सबसे गर्म स्थान, और थार का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। वर्ष 2020 तक जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल मिशन को पूरा किया जाएगा, यहाँ पर ये केंद्र सरकार ने कहा है, केंद्र की योजना है जल जीवन मिशन। कब शुरू हुई थी कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर टारगेट रखा गया है कि 2020 तक हम चूरू जिले को हर घर जल वाला जिला बना देंगे,
जिस प्रकार से हर घर जल वाला पहला राज्य बना है गोवा, इसकी मैंने चर्चा भी की थी, उसी प्रकार से चूरू जिले को भी यहाँ पर हर घर जल मिशन वाला जिला बना दिया जाएगा और यहाँ पर हर घर में पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। वैसे पूरे राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर IGNP का विस्तार है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए ताल छापर मृग अभयारण्य भी है। ताल छापर मृग अभयारण्य है, ये काले हिरणों का अभयारण्य है। यहाँ पर ताल छापर झील है, ये भी चूरू जिले में है। और प्रसिद्ध सालासर बालाजी मंदिर, सालासर बालाजी हनुमान मंदिर है ये भी आपके चूरू जिले में अवस्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइड स्टेशन की। देखिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का ये स्टेशन है, नोएडा सेक्टर 50। इसका नाम बदलकर रख दिया गया है प्राइड स्टेशन। प्राइड स्टेशन ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित है। अधिकारी से लेकर अन्य पदों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की यहाँ पर नियुक्ति की गई है और ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा के साथ जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको डेवलप करने के लिए और उसका यहाँ पर विकास सुनिश्चित करने के लिए ये कदम नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा उठाया गया है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए अमेरिका पहली बार मालदीव में खोलेगा दूतावास, ये यहाँ पर अमेरिका की ओर से बात कही गई है कि वो मालदीव में दूतावास खोलने जा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर योगेश त्यागी निलंबित, इनको निलंबित किया गया है। कारण जिम्मेदारी का सही पालन नहीं किया गया, इस वजह से इनको निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने इसके ऑर्डर जारी कर दिए। नेक्स्ट है ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक्स की दिशा में IIT जोधपुर ने विद्युत इंसुलेटर के बायोडिग्रेडेबल जिलेटिन के साथ ट्रांजिस्टर विकसित किया है, ठीक है, जिसका उपयोग श्वसन विश्लेषक के रूप में किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर वैज्ञानिक खोज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देने के लिए IIT जोधपुर ने विद्युत इंसुलेटर के रूप में बायोडिग्रेडेबल जिलेटिन के साथ ट्रांजिस्टर विकसित किया है। इसरो 7 नवंबर को EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 लॉन्च करेगा। PSLV C-49 के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा। कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन में सहयोग करेगा यह सैटेलाइट, ठीक है, यह आपको याद रखना है। और यहाँ पर इसके लिए क्विक टू द पॉइंट कार्यक्रम भी अलग से बनाया गया है, आप देख सकते हैं क्विक टू द पॉइंट कार्यक्रम में इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी गई है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल इनका निधन हुआ है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं केशुभाई पटेल, इनका निधन अभी हुआ है, तो याद रखेंगे केशुभाई पटेल। सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला पहला राज्य बना है केरल, ये भी आपको याद रखना है। नेपाली सेना के जनरल पद की मानद उपाधि से सम्मानित किए जाएंगे भारत के जो थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इनको नेपाली सेना के जनरल पद की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। शशिधर जगदीशन SDFC के अगले CEO बने हैं। आदित्य पुरी हैं, इन्होंने 25 साल इस पद पर कार्य किया है और इनकी जगह अब लिया शशिधर जगदीशन ने। VO चिंदबरनार पोर्ट तमिलनाडु पर डायरेक्ट पोर्ट प्रवेश सुविधा शुरू कर दी गई है, डायरेक्ट एंट्री। आज के सेशन में इतना ही, चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस देश में हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक क्रॉसिंग का नाम रखा गया है, स्पेन, पोलैंड, हंगरी या फिर इजराइल, इसका सही उत्तर लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं इसके सही जवाब के साथ कल एक नए अंदाज में, तब तक के लिए गुड नाइट।